नमस्कार ऋषभ भाई, समथिंग न्यू में आपका वेलकम है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें बताने वाला हूँ कि डलहौजी जो समर पीक में, क्योंकि डलहौजी में जो पीक है वो समर के टाइम होता है, जो क्राउड है वो समर के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा डलहौजी में समर पीक में कितना क्राउड है। इतना क्राउड है कि लोगों को डलहौजी में रूम्स नहीं मिल रहे हैं, बनेखेत जाना पड़ रहा है। तो आज दिखाता हूँ आपको ब्यूटीफुल डलहौजी मेरी इवनिंग वॉक के टाइम। तो लेट्स वॉच माय वीडियो। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। शाम के लगभग 7:30 हो रहे हैं, अपनी इवनिंग वॉक पे जा रहा हूँ आफ्टर ट्यूशन। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सुभाष चौक में ही क्राउड शुरू हो चुका था, ट्रैफिक लगा हुआ था। बट अभी सुभाष चौक से गर्म सड़क से चलता हुआ मैं गांधी चौक की तरफ, तो जितने भी छोटे छोटे स्टॉल हैं इनमें अपना ही अलग मज़ा है। हिमाचल में जब आओ और छोटे छोटे स्टॉल में कुछ खाओ, उसका जो मज़ा है वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलता। ये सामने जो व्यू दिख रहा है दैट इज सदर बाजार। सदर बाजार काफ़ी फेमस है, यहाँ पे कई मूवीज़ की शूट हो चुकी है। चलिए आई कंटिन्यू माई वॉक। तो चलते चलते रास्ते में अंधेरा भी होने लगा, और ये वो रास्ता है जहाँ पे विंटर में इस टाइम पे एक आधा बंदा भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बट आज देखिए कि इतना क्राउड है कि पूरे रास्ते में लोग चल रहे हैं। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर इस टाइम कोरोना पीक पे था, या लास्ट ईयर भी कोरोना था इस टाइम, तो इस रास्ते पे जहाँ पे आज लोग चल रहे हैं यहाँ पे भालू दिखाई दे रहे थे। ये सामने सदर बाजार है। चलिए वी कंटिन्यू आवर वॉक। तो ये पूरे रास्ते में जो सुनसान रास्ता हुआ करता है विंटर्स में, मॉनसून में, आज ये रास्ता लोगों की चहक से भरा हुआ है। देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम ऑलमोस्ट मॉल रोड के पास पहुंच चुके हैं। हम मॉल रोड में एंटर कर चुके हैं। अब लोगों का क्राउड आप देख सकते हैं यहां से शुरू हो चुका है। फ्राइडे सैटरडे संडे डलहौजी में जो मॉल रोड है यहां पे क्रॉस होना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है, देश दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। लोग यहाँ की दुकानों से शॉपिंग कर रहे हैं, गेम्स एंजॉय कर रहे हैं। डलहौजी में जो इनकम का सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ इनकम इज टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म से ही इनकम लोगों की आती है। तो यही टाइम है जो लोगों की इनकम पीक पे जाती है। इस टाइम डलहौजी में महंगाई भी बहुत होती है, इस टाइम पे सामान काफी महंगा मिलता है। आप देखते कितना क्राउड है, मुझे यहाँ से क्रॉस होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे 1 मिनट के रास्ते को क्रॉस करने के लिए कम से कम 10 मिनट लगे। मैक्सिमम रश फूड कॉर्नर्स के बाहर रहता है, क्योंकि लोग अपनी वेटिंग करते हैं अपने फूड के लिए। फिर हम गांधी चौक के स्टोर्स के पास पहुंच चुके हैं। जो मजा स्टॉल्स पे खाने का ना, वो मजा कहीं नहीं आता। और लोग अट्रैक्टिव स्टॉल्स की तरफ होते हैं ज्यादा। इससे यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं, जो स्टॉल वेंडर्स हैं, दुकानदारों को भी इनकम हो ही रही है, जो स्टॉल वेंडर्स हैं उनको भी अच्छी इनकम होती है।
अब मैं ऑलमोस्ट गांधी चौक पहुंच चुका हूँ। अब देख सकते हैं पीछे कितना रश है, मैं आपको और क्लियर दिखाता हूँ। देखिए ये रश गांधी चौक के मेन गेट से शुरू होता हुआ, अगर आप पूरे रास्ते देखिए तो बिल्कुल ही रश है, क्राउड ही क्राउड है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ के बताता हूँ, ये जो रोड है इस रोड पे तो कभी रश हुआ नहीं करता है, ये एयरफोर्स रोड, पर आज इसमें भी काफी रश है। आप देखिए कितनी भीड़ है पर्यटकों की यहाँ पे, मुझे इस रास्ते से वापिस भी जाना है। अभी थोड़ा टाइम के बाद और रश बढ़ जाएगा तो मुझे काफ़ी मुश्किल होगी। चलिए आई एम हैप्पी कि डलहौजी में 2 साल बाद जो टूरिस्ट लौटा है तो एक बिल्कुल एंथुजियाज्म वे से वो लौटे हैं, काफ़ी रश है, वो चहल वापिस आ चुकी है जो 2 साल पहले हुआ करती थी, अन्यथा कोरोना में तो हम डलहौजी में ही देख चुके हैं क्या हाल था। हम गांधी चौक में हैं, अब जिस तरफ देखिए जहाँ पे कहीं गाड़ियों का जैम लगा हुआ है, चलिए आप तिब्बती मार्केट तरफ ले चलता हूँ। अगर आप डलहौजी आओ तो गांधी चौक में एक फेमस मार्केट है इंडो टिबेटन मार्केट, अर्लियर इट वॉज ओनली टिबेटन मार्केट, बट जो टिबेटन लोग हैं वो काफ़ी लोग यहाँ से डलहौजी छोड़ के फॉरेन जा चुके हैं, तो जो उनकी मार्केट्स थी जो उनकी शॉप्स थी तो वो दे हैव सोल्ड आउट टू इंडियंस, तो अब वहाँ पे इंडियंस भी हैं इसलिए उसका नाम इंडो टिबेटन मार्केट हो चुका है। ये जो बिना हेलमेट के बाइक पे आगे पक्का इनका चालान कटा जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का एक चालान कटा हुआ है विदाउट हेलमेट। तो यहाँ की जो पुलिस है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जो भी डलहौजी आया तो प्लीज जो ट्रैफिक रूल्स है वो प्रॉपर फॉलो करे, अन्यथा आपका चालान पक्का कटेगा। चलिए हम एंटर कर चुके हैं इंटरटेनमेंट मार्केट में, मार्केट में जो स्पेस है बहुत कम है और इसमें इतना रश है, यहाँ चलना मुश्किल है। मुझे 5 मिनट के रास्ते को पूरा करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगे थे। तो ये यहाँ की डलहौजी की फेमस इंडो टिबेटन मार्केट है। और यहाँ पे जो सेल करते हैं, जो सेल पर्सन होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम तिबेटन लेडीज सेल करती हैं, जो टिबेटन लोग सेल करते हैं, जेंट्स कम लेडीज ज़्यादा सेल करती हैं सामान यहाँ पे। चलिए बहुत मुश्किल से मैं वहाँ से पूरी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ मैं, तो वापस भी चौक में कम जैम लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वापस मुझे इसी रास्ते जाना, इस रास्ते से आया मैं, और आप क्राउड देख सकते हो अब बढ़ गया है क्योंकि टाइम अंधेरा हो चुका है, लोग खजिया डेनकुन पंचपुरा से वापस आ चुके हैं, अब पूरा यहाँ क्राउड जो है गांधी चौक में या सुहा चौक में रहेगा। मुझे बहुत ही धक्के से ये रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा है। आप देख सकते कितना क्राउड है, ये सब सुहा चौक जाएंगे फिर गांधी चौक आएंगे, तो ये ट्रैक तो नहीं, वॉक करते हैं, लगभग 2 किलोमीटर की वॉक है यहाँ से सुभाष चौक और सुभाष चौक से वापस गांधी चौक, क्योंकि आई रिमेम्बर नेहरू जी जब डलहौजी विजिट किए थे तो उन्होंने कॉल दिया था डलहौजी के लिए, वॉकिंग इज द फैशन ऑफ हिल्स, तो डलहौजी और किसी भी हिल स्टेशन में जाओ तो वहाँ पे आई प्रेफर कि कार को बाइक को इग्नोर करिए, और अगर आपको वहाँ का इंजॉय करना है, नेचर इंजॉय करना है तो वॉक करिए, हेल्थ के लिए अच्छा है और नेचर को आप फील कर सकते हो। हाँ बट इतने क्राउड में वो करना आसान नहीं है।
चलिए मैं ऑलमोस्ट मार्केट से बाहर निकलता हुआ आउटस्कर्ट ऑफ द मार्केट में भी बहुत क्राउड है तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे यहाँ से वापस आने में। मैं यूजली डेली वॉक पे जाता हूँ बट मैं इतने आगे मार्केट तक नहीं आता, मार्केट से पीछे से वापस चला जाता हूँ। लोग इंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बहुत क्लासिक लगता है बूटा। इस टाइम छोटे छोटे सभी व्यापारियों को एक रोजगार मिलता है और सिर्फ समर सीजन है यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों को कमाई का सोर्स। चलिए मैं वापिस सुहा चौक आ चुका हूँ और इस टाइम आपके आई लव डलहौजी जो स्पॉट है सुहा चौक में सुहाजी के स्टैचू के नीचे, वहाँ पे लोगों का काफ़ी भीड़ थी। ये डलहौजी के कुछ फेमस कैफे, बाबास कैफे, शेर पंजाब, लिकर की शॉप भी फेमस है, शेर पंजाब रेस्टोरेंट, ऑल शेर पंजाब, और इसको हिमाचली किचन भी कहा जाता है। बस सुभाष चौक के नीचे मेरा घर है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।